हमने अभी क्या डिस्कस किया, अगर कोई बॉडी रोल करती है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज प्योर रोटेशन। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन किस पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे, तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और रोटेशन में हाफ आए ओमेगा स्क्वायर। तो जब कोई बॉडी रोल करेगी तो टोटल एनर्जी सम ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज प्योर रोटेशन की एनर्जी। क्लियर है, एक तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। एक ना एक और मॉडिफाइड फॉर्मूला है इसका, मैं बनाने जा रहा हूँ, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा काम का फॉर्मूला है ये। जब कोई बॉडी रोल करती है, आज हमने लेक्चर यहीं से स्टार्ट किया, उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा क्या होगा, वी बाय आर। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो ओमेगा की जगह वी सेंटर ऑफ मास बाय आर। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से स्क्वेयरिंग करें, सॉल्व करें, सॉल्व करके क्या आएगा, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये याद रखना है, जब कोई बॉडी रोल करेगी तो आप या तो ये फॉर्मूला लगा लें या सीधा ही ये फॉर्मूला लगा लें, बात एक ही है, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसलिए फायदेमंद है क्योंकि कल को न्यूमेरिकल आता है सॉलिड स्फेयर पे, तो स्फेयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, 2/5। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2/5 आंसर। अगर क्वेश्चन किस पे आता है, डिस्क पे, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क का क्या होता है, हाफ, तो डिस्क की रोलिंग एनर्जी आ गई। अगर किस पे आता है, रिंग पे, तो 1। तो ये बड़ा आसान हो गया क्योंकि किसी भी बॉडी पे मुझे क्या पता किस पे क्वेश्चन आएगा, तो मैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चेंज करता रहूंगा, टोटल आंसर आता रहेगा। और अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें आई की जगह हर बार चेंज करना पड़ेगा, फेयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर या डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर, थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।